हम तो बहुत थक गए। ठीक है, महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। महंगाई सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर के लिए गरीब के लिए है महंगाई, अमीर के लिए न है, न हुई है, न होगी। अमीर हर चीज़ अफोर्ड कर सकता है, गरीब नहीं कर सकता, क्योंकि उसके महदूद तनख्वाह 15,000 से ज़्यादा नहीं है। 10 भी है, 12 भी है, 15 से 500 रुपये रोज़। 500 रुपये से क्या लेगा, 1 किलो आटा, 1 किलो दूध? जिसकी जो जी चाहता है, जो मनमानी चाहता है करता है। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं किया है, न करती है, न कर सकेगी। गवर्नमेंट के बस में कुछ नहीं, गवर्नमेंट खुद बिकी हुई है। मरता है तो गरीब, लाइट जाती है अमीर के लिए नहीं जाती। उसके बाद UPS है, जनरेटर है, सोलर है, उसके बाद हर चीज़ में ऐसा है। नहीं है तो सिर्फ गरीब के पास नहीं है। मोमबत्तियाँ बिकने का टाइम नहीं, लेकिन ऐसे हालात है गरीब बेचारा चार्जर भी नहीं खरीद सकता, टॉर्च भी नहीं खरीद सकता, मोमबत्तियाँ पे भी जाके पूछ लो सब परचून वाले के पास। अब भी गरीब इंसान मोमबत्ती जलाता है, इससे ज़्यादा उसकी इस्तात नहीं है जो मोमबत्ती खरीद सके। सबसे बड़ी है बिजली, बिजली का एक ही हल है कि चोरी बंद की जाए। मज़े उनके हैं जिनका विंडो AC लगे हुए हैं, जिनके पास दूसरे तरीके के AC लगे हुए, वो चला गए इसी वजह से कि लाइट के पैसे नहीं भरने हैं। तो गरीब को जिसका मीटर है उस डिडक्शन आएगी, जिसका मीटर होगा उस पर आएगी, उस पर कभी डिडक्शन नहीं आएगी। जिसकी लाइन ही ओपन है उसको कुछ भी नहीं होगा। रहा सवाल महंगाई का, ये महंगाई है, रही और रहेगी। असेंबली में जितने भी मेम्बर हमारे भाई बन के आते, हमसे वोट लेने आते हैं, हमसे वायदा करके आते हैं, असेंबली में कुत्ते की तरह लड़ते हैं, कुत्ते की तरह। गरीबों घर का एहसास नहीं है, जो नहीं बैठ के बातें कर ले। अगर हम सब गरीब आवाम का कुछ सोचे नहीं, आए दे इलेक्शन हम कैसे जीतेंगे? अगर 10 करोड़ लगाते 20 अरब कमाने के चक्कर में रहते हैं। गरीब की इनको सोच है, न हुई है और न होगी।